and inhaling every moment. It was reckless. Hello everyone. आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से वॉल पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग कैसे बना सकते हैं। वैसे मैं बहुत दिनों बाद करने जा रही हूँ, तो हो सकता है इतना अच्छे से ना करूँ। लगभग मुझे 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, और ये जो मैंने यहाँ पे कलर यूज़ करे, ये वाटर कलर है, और आप मानेंगे नहीं, ये 3 या 4 साल पुराने कलर हैं, थोड़े सूख भी गए हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन और येलो। इन तीनों को मिक्स करके हम पहले शेड देंगे, मतलब बैकग्राउंड का जो बनाना है हमको बेस वो देंगे। यहाँ पर आपको पता है सब कुछ बंद है और लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरे पास ब्रश भी नहीं है, और पता नहीं मुझे कौन सा ब्रश मिला है जिसकी मदद से मैं इसे कर रही हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा फ्लैट ब्रश चाहिए था, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमने ऊपर की साइड जो है डार्क ग्रीन कलर है उसे कर दिया है, और सेम टू सेम नीचे भी हमने डार्क ग्रीन कलर कर दिया है। अच्छे से करना, अगर आपके पास अच्छा ब्रश है फ्लैट ब्रश, तो एक बार आपको कलर को थोड़ा सा लेना है और फिर वाटर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर देना, अच्छे से फैला देना है। और फिर इसके बाद आपको लेना पड़ेगा लाइट ग्रीन। पहले आप इस डार्क ग्रीन कलर को अच्छे से शेड देते हुए नीचे नीचे डार्क और फिर नीचे लाइट करते जाइए, पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। इसके बाद आपको लाइट ग्रीन कलर लेना है और इसे आगे के वाइट एरिया में करते हुए दोनों डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन को मतलब कि ब्लेंड करते हुए अपनी ड्राइंग को नीचे तक पूरा करते जाना है। इसे ऐसा ब्लेंड करना है कि पहले डार्क, फिर कम डार्क, फिर थोड़ा कम डार्क, और नीचे तक लाइट होता चला जाएगा, और लास्ट में हमारे पास येलो शेड आ जाएगा। और साथ में इन दोनों कलर को ब्लेंड करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने रेनबो बनाया अलग अलग कलर, मतलब ये दोनों कलर एक दूसरे में ब्लेंड हो जाने चाहिए। फिर अब यहाँ पर हम बीच में एक थोड़ा सा गैप छोड़ रहे हैं, यहाँ हम येलो कलर यूज़ करेंगे। येलो से इसे शेड देंगे, और पानी मिलाना है क्योंकि वाटर कलर है, तो ये और पुराने भी हैं तो सूख गए हैं, तो इन्हें वाटर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। और इस तरह से हमारा एक नॉर्मल बेस तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए यूज़ करेंगे पतले, मतलब 0 पॉइंट या फिर पतला कोई ब्रश लेकर के, जिसकी जो आउटलाइन से किनारे हैं इनको भी अच्छे से कवर करेंगे। अभी देख सकते हैं सूखने के बाद ऐसा हो रहा है। तो अभी मैंने ये कैमलिन के जो वाटर कलर है इसे यूज़ किया है, और थोड़ा सा और डार्कनेस देने की कोशिश करिए। अगर आपके पास डार्क ग्रीन कलर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स कर सकते हैं, और फिर जो कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से फिल करना है। बचा हुआ नहीं दिखना चाहिए, वाइट जो है हमारी वाइट कलर की शीट वो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि मैं दोबारा से इसके ऊपर कलर कर रही हूँ उसी पैटर्न में, डार्क लाइट ग्रीन येलो, और इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करके थोड़ा इसका जो बैकग्राउंड है उसे और ज़्यादा कलर टोन देने की कोशिश कर रही है। और आप चाहें, अगर आपके पास इस तरह का ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर ना हो, हो सकता है लॉकडाउन की वजह से आप कलर परचेस ना कर पा रहे हो, तो अगर आपके पास रेड और ब्लैक कलर है और ऑरेंज कलर, तीनों का कॉम्बिनेशन करके भी आप ऐसा बना सकते हैं। साइडों में आपको ब्लैक कलर यूज़ करना है, और फिर उसके बाद जहाँ हम लाइट ग्रीन यूज़ कर रहे हैं वहाँ रेड यूज़ करना, और बीच में ऑरेंज यूज़ करना है, तो भी आपका बहुत अच्छा सा शेड बन जाएगा। अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर का यूज़ करके मतलब पेड़ की जो टहनियाँ होती है वो बना रहे हैं, और लीव्स भी उसी ब्लैक कलर से बना रहे हैं। पूरा ब्लैक कलर से यूज़ करना हमको बनाने के लिए। आप चाहें तो ट्री बना सकते हैं, बर्ड्स बना सकते हैं, और माउंटेन्स वगैरह, कुछ भी जो आपको बनाना है। एक आपको बेस मिल गया है कैनवस का, उसके ऊपर अब आपको अपनी जो भी इमेजिनेशन है उससे ड्रॉ करना है। और सैम्पल के लिए आप मेरा देख सकते हैं, जैसे मैंने एक बर्ड, मदर बर्ड बनाई है, और उसका बेबी बनाया है साथ में, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे लीव्स बनाई हैं तो इसमें एक नई चीज़ क्या कर सकते हैं, वाइट और पिंक कलर को मिक्स करके छोटे छोटे फ्लावर बना सकते हैं इन्हीं टहनियों पर, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा और सुंदर लगेगा। इस तरह से जो वॉल पेंटिंग बनेगी ना बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि है तो बहुत इजी, पर अगर आप इसे अपने घर में लगाएंगे ना तो एक बार में ऐसा लगेगा नहीं कि इसे बिगिनर ने बनाई है। तो ये थी हमारे आज का वीडियो।
जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आप वाइट कलर और रेड कलर को यूज़ करके इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर बना देंगे तो ये और भी अच्छा लगने लगेगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने अगर अपने लाइफ में कभी भी पेंटिंग नहीं करी ना तो एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और अभी आप बहुत फ्री हो, आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो और अपना दिन का जो टाइम है उसे यूज़ कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलना, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और घर पर ही रहना, बाहर मत जाना, क्योंकि हम घर पर हैं तभी तक ही सेफ है।